कांग्रेस ने किया किसानों का समर्थन। खबर है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में अम्भापोरसा विधानसभा से विधायक रहे श्री राम नारायण सखवाल जी के पुत्र देवेंद्र सखवाल जी ने किसान आंदोलन के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी किसानों की मांग नहीं मानेगी तो प्रत्येक घर से किसान निकलेगा और सड़कों पर आंदोलन करेगा। देखिए पोरसा से सत्यवीर सिसोदिया की यह रिपोर्ट। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सरकार है उन्होंने किसानों को तीन बिल लाए, वो ऐसे बिल हैं जिनसे हमारे भारत के किसानों को बहुत ही नुकसान है और हमारे किसान भाई उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप जो डेली टीवी पर देख रहे हैं कि हमारे पंजाब और हरियाणा तमाम प्रदेशों के किसान जो है ना वो दिल्ली के बॉर्डर पर बने और 50 से अधिक मौतें भी हो चुकी हैं उन लोगों की, लेकिन आज तक मोदी सरकार ने ना तो उन मौतों के परिवार वालों से मिलने गए, ना किसानों के बिलों को वापस लिया और ना ही कोई सुनवाई। एक तानाशाही सरकार चल रही है। इसके उपलक्ष में हम सब ने कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के ये आंदोलन किया, उन किसानों के समर्थन को आंदोलन किया है और किसानों को समर्थन किया। अगर आपने आंदोलन किया, यदि आंदोलन से भी ये भारतीय जनता पार्टी काले कानून वापस अगर नहीं लेगी तो आप आगे क्या आपका जो आगे की जो नीति है वो क्या रहेगी? आगे हमारी नीति ये रहेगी, अगर बीजेपी सरकार नहीं जागती है, नरेंद्र मोदी नहीं सुनते हैं तो हम घर घर जाएंगे और लोगों को घर से निकालेंगे और सड़कों पर उतरेंगे, धरना देंगे, भूख हड़ताल तक करेंगे। जो भारत के जो मंत्री हैं, जो जो कि नरेंद्र सिंह तोमर हैं, वो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि काले कानून वापस नहीं होंगे, आप उनमें संशोधन हो सकता है संशोधन, लेकिन वो कह रहे हैं कि इन कानूनों से किसानों को फायदा होगा, तो इन कानूनों से किसानों को क्या फायदा होने वाला है? आप जरा मुझे ये बताइए कि इन कानूनों से किसानों को क्या फायदा है और इन कानूनों से उनको क्या नुकसान है? देखो किसानों को अगर फायदा होता तो पंजाब और हरियाणा अन्य प्रदेशों के किसान सड़कों पर नहीं आते, ये तो यहीं से जाहिर होता है। और हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो तो एक किसान के कृषि क्षेत्र से रहने वाले हैं तो उनको भी सोचना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। भारतीय जनता पार्टी का साफ साफ कहना है कि कुछ छोटे मोटे लोग आ गए हैं जो कि उन्होंने हरियाणा पंजाब से दो चार शहरों के लोग आ गए हैं, उन्होंने पूरी दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का उनका कहना है। वो कह रहे हैं कि ये तो खालिस्तानी है, ये तो पाकिस्तानी है, लेकिन आप जरा ये बताइए कि अब तो किसान आंदोलन को पूरे देश का समर्थन आ रहा है, आप यूपी देख लो, हरियाणा देख लो, पंजाब देख लो, राजस्थान देख लो, एमपी से भी अब तो जो है आज एमपी में बहुत बड़ी जो रैली हुई है, लेकिन उनका कहना यह है कि नहीं छोटे मोटे लोग आ गए, दो चार जो गांव से लोग आ गए उन्होंने जो है कर लिया है, तो ऐसा नहीं है कि चारों तरफ से लोगों ने जो है दिल्ली में धरना दे रहे हैं और जो है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं दिल्ली में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, दिक्कत क्या हो रही है वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने चारों तरफ से दिल्ली को घेर लिया है, लेकिन वहाँ के कुछ लोग जो कह रहे हैं कि नहीं हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस काले कानून को मोदी सरकार वापस लेगी तो ये आखिरकार उनका आंदोलन जो है वो कब तक जारी रह सकता है? देखिए यही तो विडम्बना है कि सच बोलने वालों को हमेशा दबाया जाता है। हमारे जो अन्नदाता जो सड़कों पर निकले हैं, सड़कों पर आज 40 से अधिक दिन हो चुके लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन इनसे ये पूछा जाए कि हमारा देश अब कृषि प्रधान है, आज किसान अगर परेशान हो गया तो हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ऐसा ही लगता है कि दो चार लोग हैं तो 26 जनवरी को ये लोग जाना चाहते हैं तो बहुत रास्ता